हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नया रेसिपी बना के दिखाऊंगी, खीर, वो भी बिना चीनी के। देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं ली हूँ। कच्चा चावल ली हूँ आधा कटोरी, इसको आधा घंटा पहले भिगो के रखी थी, इसको पानी से निकाल लिया। और आधा कटोरी गुड़, काजू और आलमंड, और आधा लीटर दूध। सबसे पहले मैं दूध को उबलने के लिए रखा। दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया एक तरफ, और एक तरफ मैंने कढ़ाई गरम कर लिया। उसके बाद मैं घी डालूंगी। एक टेबलस्पून मैंने घी डाल दिया। उसके बाद मैं उसके काजू डालूंगी। काजू को हल्का सा फ्राई कर लूंगी। उसके बाद चावल को भी घी में फ्राई कर लूंगी। अभी इसको मैं दूध में डालूंगी, चावल और काजू को। चावल को बॉइल्ड होने तक ऐसे मीडियम आंच में इसको पकने देंगे, और बीच बीच में चेक करेंगे चावल कितना बॉइल्ड हुआ। अभी 10 मिनट मैंने इसको उबाल लिया है। अभी चेक करके देखती हूँ चावल पका या नहीं। चावल आधा पक गया है। मैं इसमें अभी गुड़ डालूंगी, सारे गुड़, आधा कटोरी गुड़ मैं डाल रही हूँ। आपको गुड़ स्वाद के अनुसार देना चाहिए, ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा देना। आलमंड को मैं छोटा छोटा करके काट लिया है, इसको भी डाल रही हूँ। फिर इसको 10 मिनट गैस कम करके पकाऊंगी। हमारा खीर बन के तैयार है, देख रहे हैं कितना अच्छा कलर भी आ गया। टोटल 20 मिनट लगा बनने में। बहुत ही सिंपल है, क्विक प्रोसेस है। आप लोग बना के जरूर खाइए।